हे वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबका दोस्त रोहित कुशवाहा। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं 150 सीसी सेगमेंट से लेकर 200 सीसी सेगमेंट के अंदर जो हमारी टॉप 10 बाइकें हैं जिनके अंदर हमें अच्छा माइलेज देखने मिल जाता है, साथ ही साथ दोस्तों हमारे इनका प्राइस भी काफ़ी बजट में आता है। तो दोस्तों आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस लिस्ट हमारे 10th नंबर पे आती है KTM की तरफ से आने वाली KTM ड्यूक 200। एक प्रीमियम मोटरसाइकिल है जिसके अंदर सबसे खास बात है उसका डिजाइन एंड उसकी परफॉर्मेंस। ये बाइक गाइस एक स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक के साथ आती है जिसके अंदर हमें रोड के अंदर एंड हाईवे के ऊपर अलग अलग तरीके का माइलेज देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों KTM ड्यूक 200 में आपको 199.5 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है जो लिक्विड कूल इंजन है जो दोस्तों 25 PS की पावर जनरेट करता है, साथ ही साथ दोस्तों 19.2 NM का टॉर्क भी जनरेट करता है। गाइस इस बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ साथ और उसकी टॉप स्पीड है आपको 138 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिल जाती है। इसके अंदर गाइस आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपको रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो गाइस हमारी बाइक राइडिंग को काफी कंफर्टेबल कर देते हैं। इसके अंदर गाइस आपको सिंगल ABS चैनल के ब्रेक सिस्टम मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर आपको माइलेज की बात करते हैं, इसका माइलेज गाइस आपको 35 KMPL के लिए मिल जाएगा आराम से। एंड गाइस जो इसका शोरूम प्राइस मिलेगा आपको 1,87,000 इसका स्टार्टिंग प्राइस है। अब दोस्तों हमारी मूव ऑन करते हैं हमारे इस लिस्ट में 9th नंबर की बाइक पे। इसमें हमारी 9th नंबर पे आती है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर NS200 जिसके अंदर आपको 199.5 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है जो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर प्लस में लिक्विड कूल इंजन के साथ आता है जो हमारे 24.31S का पावर जनरेट करता है। एंड इसका RPM आपको 9,750 RPM में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों 18.5 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। एंड इस गाइस दोस्तों इनके अंदर 6 स्पीड गियर बॉक्स दे रखा है। गाइस इस बाइक के अंदर आपको स्पोर्टी एंड एग्रेसिव डिजाइन देखने को मिलता है। साथ ही साथ गाइस इसका मस्कुलर फ्यूल टैंक है, स्प्लिट सीट दे रखी है, इसमें LED टेल लैंप देखने मिल जाते हैं। एंड गाइस साथ ही साथ इस बाइक में आपको टेलीस्कोपिक फ्रॉग सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट में, एंड रियर में आपको नाइट्रो मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जिसके अंदर गाइस आपको सिंगल ABS चैनल का फीचर देखने को मिल जाता है जो ब्रेकिंग सिस्टम में काफी आपको हेल्प कर देता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपको 12 लीटर कैपेसिटी मिल जाती है। एंड गाइस अब बात करते हैं इस बाइक की माइलेज के बारे में। इसके अंदर आपको गाइस 40 KMPL का माइलेज देखने को मिल जाता है। एंड गाइस इसके बाद बात करते हैं इसके जो हमारा एक्सशोरूम प्राइस है इसका आपको 1,41,000 से स्टार्टिंग है इसका। गाइस ये बाइक काफ़ी अच्छी है लेकिन गाइस आपको हैवी राइडिंग करनी है तो इस बाइक को परचेज करें। इस बाइक के अंदर आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं, साथ दोस्तों 200 cc सेगमेंट में टॉप की बाइक आती है। अब गाइस मूव ऑन करते हैं हमारे इस लिस्ट में 8th नंबर की बाइक पर। 8th नंबर पे आते हैं हमारी यामाहा की तरफ से YZF R15 वर्जन 3। जी हाँ दोस्तों एक स्पोर्ट्स बाइक है जो हमारे इंडिया में 2018 में लॉन्च हुई थी। गाइस इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर आपको देखने मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको 155 सीसी का लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने मिल जाता है जो हमारे मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 18.6 PS की जो हमारे 10,000 RPM पे वर्क करता है। एंड गाइस का जो पीक टॉर्क है वो है 14.1 न्यूटन मीटर जो इसके अंदर आपको 8,500 RPM को देखने मिल जाता है। गाइस इसकी बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्पोर्टी एंड एग्रेसिव डिज़ाइन दे रखा है। साथ ही दोस्तों इसमें डुअल LED हेडलाइट्स का सेटअप भी दे रखा है। इसके अंदर आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिल जाता है। इसके अंदर आपको स्प्लिट सीट जैसे एंड LED टेल लाइट जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको गाइस फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन दे रखा है। एंड गाइस रियर में आपको मोनोशॉक यूनिट का सस्पेंशन दे रखा है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको डुअल चैनल ABS सिस्टम देखने को मिल जाता है जो काफ़ी हमारे ब्रेकिंग सिस्टम को इंक्रीज कर देता है। अब गाइस बात करते हैं इस बाइक के माइलेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों इसके अंदर आपको 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल जाता है जो गाइस आपको फ्यूल एफिशिएंट काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है हमारा एक्सशोरूम प्राइस है इसका 1,54,600 जो दिल्ली का एक्सशोरूम प्राइस है। अब गाइस मूव ऑन करते हैं हमारी इस लिस्ट में 7th नंबर की बाइक पर। इस लिस्ट में 7th नंबर पर आती है हमारे हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 160R जो हमारे इंडिया में सबसे पॉपुलर बाइक आती है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस 150 से लेकर 200 सीसी सेगमेंट में टॉप की बाइक है ये। गाइस इसके अंदर आपको 163 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है जो एयर कूल्ड एंड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है जो हमारी मैक्सिमम पावर 15.3 PS की जनरेट करता है जिसके अंदर आपको 14 NM का टॉर्क देखने को मिल जाता है जो गाइस हमारे 5 स्पीड गियर बॉक्स के सिस्टम के साथ आता है। गाइस हीरो एक्सट्रीम हमारी काफ़ी फीचरिस्टिक बाइक है एंड गाइस काफ़ी एग्रेसिव इसमें मस्कुलर डिज़ाइन दे रखा है जिसके अंदर हमारी फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी हाई है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें स्प्लिट LED हेडलैम्प भी दे रखे हैं, LED टेल लाइट भी दे रखी है। एंड गाइस में फुली डिजिटल आपको कंसोल देखने को मिल जाता है। गाइस इस बाइक के अंदर आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक फ्रंट डिस्क और एक डबल डिस्क के साथ। एंड गाइस बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में। गाइस आपको फ्रंट में इसका आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है जो 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक रियर सस्पेंशन के साथ आता है। एंड गाइस इसके अंदर आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड देखने को मिल जाती है।
एंड गाइज ये बाइक आती है आपके सिंगल ए चैनल ABS के साथ। गाइज अब बात करते हैं इस बाइक के माइलेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको 50 km/h का माइलेज आराम से देखने को मिल जाता है। एंड गाइज इस बाइक के अंदर आपको गाइज काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलती है। अब गाइज बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। अगर गाइज आपका स्टैंडर्ड वेरियंट लेंगे जिसके अंदर आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक चाहिए, तो उसका आपको शोरूम प्राइस मिलेगा 1,09,000 के अराउंड। एंड गाइज आप उसका अपर वेरिएंट लेंगे जिसके अंदर आपको ड्यूअल डिस्क ब्रेक चाहिए, तो गाइज का आपको स्टार्टिंग प्राइस मिलेगा एक्स शोरूम पे 1,13,000 के साथ। अब गाइज बात करते हैं इस लिस्ट में जो हमारे 6 नंबर पे जो बाइक आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 6 नंबर पे आते हैं हमारी सुजुकी की तरफ से आने वाली गिक्सर 155, जो गाइज हमारे पॉपुलर एंड सुपर नेक बाइक जो है। एंड गाइज जो 150 एंड 160 सेगमेंट में टॉप की बाइक मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बाइक हमारी इंडिया में 2014 में लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर गाइज आपको स्पोर्टी लुक के साथ साथ कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन एंड गुड परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इसके अंदर गाइज आपको 155cc का इंजन देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, इसके अंदर आपको 4-stroke सिंगल सिलेंडर एंड एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, जो हमारे प्रोड्यूस करता है 13.4 PS की पावर को। एंड गाइज इसके अंदर आपको 13.8 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही दोस्तों, इसके अंदर आपको 5-speed गियर बॉक्स देखने को मिलेंगे। एंड गाइज इसका डिज़ाइन एंड इसके काफ़ी मस्कुलर फ्यूल टैंक की वजह से काफ़ी बाइक का लुक काफ़ी एग्रेसिव बन जाता है। एंड गाइज इसमें आपको स्प्लिट सीट्स का फीचर देखने को मिल जाता है, LED टेल लैंप्स, साथ ही दोस्तों उसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसके अंदर आपको 3-4 कलर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लू में, ब्लैक एंड सिल्वर एंड रेड। जी हाँ दोस्तों, 4 कलर थे जिनमें वेरिएंट में आती है। एंड गाइज इसका जो परफॉर्मेंस है गाइज काफ़ी अच्छी है, जो हमारे 0 से 60 में जाने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं गाइज। एंड जो गाइज की टॉप स्पीड है वो उसके 115 km/h की। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं इसके माइलेज के बारे में। इसका माइलेज गाइज आपको आराम से 45 का माइलेज देखने को मिल जाता है। एंड गाइज का स्टार्टिंग प्राइस है, ऑन रोड प्राइस तो मैं नहीं बताऊंगा गाइज, स्टार्टिंग प्राइस रहेगा इसका 1,17,000 के अराउंड का। अब गाइज बात करते हैं इस लिस्ट में हमारे 5th नंबर की बाइक के बारे में। 6th नंबर पर आती है हमारी होंडा की तरफ से आने वाली होंडा हॉर्नेट 2.0। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी एग्रेसिव एंड मस्कुलर डिजाइन वाली बाइक है, जिसके अंदर आपको गाइज 184cc का इंजन देखने को मिल जाता है। नोट 155cc इंजन वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे अगस्त में लॉन्च हुई थी 2020 में। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक के अंदर काफ़ी फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे गाइज इसका इंजन काफ़ी अच्छा है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दे रखा है। इसमें आपको 17.03 की पावर प्रोड्यूस करता है एंड गाइज 16.1 Nm का टॉर्क है इसके अंदर। आपको गाइज इसमें 5-speed का गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है एंड फ्यूल सिस्टम इसका फ्यूल इंजेक्शन वाला है। सस्पेंशन के अंदर गाइज आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉर्क देखने को मिल जाता है एंड मोनोशॉक में आपको रियर मिल जाता है। एंड दोस्तों इसके अंदर ब्रेक की बात कर लेते हैं। ब्रेक में गाइज आपको फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं विद सिंगल चैनल ABS के साथ। एंड दोस्तों अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। माइलेज इसका आराम से आपको 45 का माइलेज आराम से मिल जाएगा। एंड गाइज इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है आपको 12 लीटर की देखने मिल जाती है। एंड गाइज बात करते हैं इसके एक्सोरूम के प्राइस के बारे में। गाइज का स्टार्टिंग एक्सोरूम प्राइस रहेगा 1,32,000 के अराउंड का। एंड गाइज ये दोस्तों काफ़ी अच्छी बाइक दे रखी है इन्होंने एंड इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर भी दे रखे हैं। अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं हमारे इस लिस्ट में 4th नंबर की बाइक के बारे में। 4th नंबर पर आते हैं हमारे TVS की तरफ से आने वाली अपाची RTR 164V, जिसके अंदर गाइज आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फीचर देखने मिल जाते हैं एंड हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस बाइक है ये, जिसके अंदर गाइज आपको 159cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो 4-stroke सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। एंड गाइज इसके अंदर आपको 17.63 PS का पावर जनरेट करता है एंड जिसके अंदर गाइज आपको 14.73 का टॉर्क जनरेट करता है। एंड गाइज इसका जो इंजन है जिसके अंदर आपको 5-speed गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। एंड गाइज इस बाइक का डिज़ाइन काफ़ी शार्प एंड काफ़ी एग्रेसिव है, जिसके अंदर आपको स्प्लिट सीट, फ्यूल टैंक मस्कुलर दे रखा है इसमें गाइज, LED हेडलाइट, टेल हेडलाइट एंड गाइज फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, जो इसका काफ़ी मीटर फुली डिजिटल दे रखा है। एंड गाइज बात करते हैं सस्पेंशन एंड ब्रेक के बारे में। सस्पेंशन में गाइज आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाता है एंड रियर में गाइज आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी कंफर्टेबल राइडर को प्रोवाइड करता है। एंड गाइज बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम बारे में, जिसमें गाइज आपको सिंगल ABS चैनल देखने को मिल जाता है। एंड गाइज इस बाइक का जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा दे रखा है इन्होंने, 45 km/l इसका माइलेज दे रखा है। अब गाइज बात करते हैं इसके बाइक के एक्सशोरूम प्राइस के बारे में। इसका गाइज आपको एक्सशोरूम प्राइस देखने को मिलेगा 1,13,000 से इसकी स्टार्टिंग है। एंड गाइज इसके अंदर आपको काफ़ी फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिल जाती है, क्योंकि गाइज ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है तो काफ़ी डिमांड भी इसकी हाई है। अब गाइज मूव ऑन करते हैं हमारी इस लिस्ट में हमारी 3rd नंबर की बाइक के बारे में। 3rd नंबर पर आते हैं, जी हाँ दोस्तों, हमारी बाजार की तरफ से आने वाली पल्सर NS160, जो हमारी स्पोर्ट नेकेड बाइक है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको गाइस 160cc का इंजन देखने मिल जाता है, जो 4-stroke सिंगल सिलेंडर एंड लिक्विड कूल इंजन दे रखा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर जनरेट मिलती है 17
पॉइंट पीएस की पावर जनरेटर मिल जाती है जो हमारे 9000 आरपीएम प्रोड्यूस करता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट मिल जाता है। एंड साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक के अंदर काफ़ी मस्कुलर एंड एग्रेसिव लुक के साथ साथ शार्प हेडलाइट टेल दे रखा है, इसमें मस्कुलर टैंक दे रखा है, स्प्लिट सीट भी दे रखी है, इसके साथ इसको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दे रखे हैं। एंड गाइस, इसके अंदर आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क आपको सस्पेंशन देखने मिल जाते हैं, एंड आपको रियर में आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन देखने मिलेंगे। अब गाइस बात करते हैं इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, आपको इसमें सिंगल एबीएस चैनल देखने मिलेगा। एंड दोस्तों, अब इसके अंदर आपको माइलेज की बात कर लेते हैं, माइलेज का आराम से 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको देखने मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं इसके एक्सशोरूम प्राइस के बारे में, आपको एक्सशोरूम में इसको गाइस 1,12,000 आराम से पे करने पड़ेंगे इस बाइक के लिए। अब गाइस मूव ऑन करते हैं हमारे इस लिस्ट में सेकंड नंबर की बाइक के बारे में। सेकंड नंबर पर आते हैं हमारी यामाहा की तरफ से आने वाली FZSF5 वर्जन 3। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट बाइक अच्छी हमारी जो हमारी पॉपुलर बाइक मानी जाती है, जिसके अंदर गाइस आपको स्टाइलिश डिजाइन के साथ काफ़ी अच्छे फीचर देखने मिल जाते हैं, जिसके अंदर गाइस आपको 449 सीसी का इंजन देखने मिलता है जो हमारे 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एंड एयर कूल्ड इंजन दे रखा है, जिसके अंदर आपको 12.4 पीएस का पावर जनरेट करता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके अंदर आपको 13.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने मिल जाता है जो हमारे 5 गियर स्पीड बॉक्स के आता है। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक के अंदर आपको LED DRL के साथ आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट देखने मिल जाते हैं जो काफ़ी फुली डिजिटल इंस्टॉल के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक के अंदर आपको सिंगल पीस सीट देखने मिलती है, लेकिन गाइस इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक काफ़ी अच्छे मिल जाता है। एंड गाइस दोस्तों, बात करते हैं इसके हम सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन में गाइस आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क देखने मिल जाता है, रियर में गाइस आपको मोनोशॉक देखने मिल जाते हैं। एंड गाइस, इसमें अंदर दोनों डिस्क ब्रेक मिलेंगे, इसमें आपको सिंगल ABS देखने नहीं मिलता है। एंड गाइस, माइलेज की बात करें तो माइलेज का आराम से आपको 50-55 देखने मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अब गाइस बात करते हैं इसके अंदर आपको जो हमारा एक्सशोरूम प्राइस है, आपको आराम से 1,05,000 का आराम से देखने मिल जाता है। अब गाइस बात करते हैं इस लिस्ट हमारी फर्स्ट नंबर की बाइक के बारे में। दोस्तों, पहले बताना चाहूँगा जो इस लिस्ट हमारी फर्स्ट नंबर पर जो बाइक आती है वो मेरी फेवरेट बाइक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यामाहा की तरफ से आने वाली MT15 वर्जन 2। जी हाँ दोस्तों, गाइस काफ़ी अच्छी बाइक लगती है मेरे को ये, जिसके अंदर गाइस आपको 155 सीसी का इंजन मिल जाता है जो लिक्विड कूल्ड एंड सिंगल सिलेंडर के साथ आता है, जो हमारे 18.5 की पावर जनरेट करता है, जिसके अंदर आपको 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने मिल जाता है, जिसके अंदर गाइस आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट देखने मिल जाते हैं, जिसमें आपको फुली डिजिटल कंसोल देखने मिलता है। आप इसको अपने बाइक से अपने फ़ोन से कनेक्ट भी कर सकते हो, जिसके अंदर आपको LED लाइटनिंग, डेल्टा बॉक्स फ्रेम एंड गाइस काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको सिंगल ABS चैनल के साथ ब्रेकिंग सिस्टम देखने मिलते हैं। एंड गाइस, इसके अंदर आपको गाइस काफ़ी सारे फीचर देखने मिलते हैं। एंड साथ ही दोस्तों, इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, प्राइस के अंदर आपको गाइस 1,65,000 आराम से पे करने पड़ेंगे। एंड गाइस, इसका जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा दे रखा है, 55 से लेकर 60 तक का माइलेज आराम से दे सकती है बाइक। और गाइस, इस लिस्ट में सबसे मेरी फेवरेट बाइक यही है। एंड गाइस, इस लिस्ट में अगर आपकी फेवरेट बाइक है तो कमेंट में करके जरूर बताएं। एंड गाइस, आज की वीडियो आपको पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।